भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिलाध्यक्ष आविद हाफसेन खान ने आज देवसर चोगम क्षेत्र का दौरा किया और कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए जो पिछड़े हैं और 30 वर्षों से राजनेताओं द्वारा पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि येयन के लोगों को जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपेक्षित किया जा रहा है और येयन के स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वे जल्द ही कुलगाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचित करेंगे, आमंत्रित किया जाए ताकि ग्राम सभा के माध्यम से एक कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का निर्माण व विकास किया जा सके। क्षेत्र के स्थानीय लोगों में पूर्व सभासद मोहम्मद अमीन भट्ट के खिलाफ कड़ा आक्रोश है कि नेशनल कांग्रेस पीडीपी ने जिस तरह यहां के कौम को परेशान किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 साल हुकूमत करने के बावजूद हर तरह के मुसीबत यहाँ के लोगों को झेलने पड़े और उसके साथ साथ जो यहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स एमएससी एमफिल स्टूडेंट्स थे आज वो एज बार के करीब पहुंच गए, ये नतीजा है बैकडोर एंट्रीज का। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जिन सियासतदानों ने बैकडोर एंट्रीज यहाँ पे की तो उनको जेलों में होना चाहिए, ना होंगे तो मैं समझ लूंगा कि युवा पीढ़ी के साथ नाइंसाफी है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कमिटेड पार्टी है, हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवा तबके के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करेंगे। और या जो बहुत बड़ा मसला है, 60,000 के करीब जो यहाँ कैजुअल लेबर्स है, जो उनकी रेगुलर पार्सीज का इश्यू है, भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई और पार्टी के पास मैंडेट नहीं है क्योंकि डबल इंजन सरकार जो चाहे कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक इलेक्शन के लिए तैयार है, जब भी इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट होगा तो वी आर रेडी फॉर दैट। और उसके साथ साथ आपने जो बाकी पार्टियों की बात की है, वो लोग परेशान है कि हमें किस हलके में किसको हलके प्रेसिडेंट बनाना है और उनके पास कोई हलके प्रेसिडेंट भी नहीं है। और एक परेशानी की बात है, उनको एक पार्टी को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाना है, वो हमारे एक्टिव वर्कर को फोन करके कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझता ये बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी के एक्टिव वर्कर को फोन करना, उसको पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाना है। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में जीशोर एजुकेटेड हर तबके के लोग मौजूद हैं, आज रेवोल्यूशन के साथ है भारतीय जनता पार्टी के। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24x7।